कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनकी कहानियाँ हमें अपनी सी लगती है। उनकी कहानियों के पात्रों को हम अपने आसपास देख सकते हैं। अपने प्रभावशाली किरदारों को दुनिया के सामने एक अलग अंदाज में पेश करने वाले ऐसे ही लेखक थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 5 सितंबर 1876 में जन्मे शरद चंद्र 16 जनवरी 1938 को दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनकी जिंदगी भी उनके पात्रों की तरह काफी अनोखी रही। उनके फक्करपन के कारण लेखक विष्णु प्रभाकर ने उन पर आवारा मसीहा किताब लिखी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में 15 सितंबर 1876 में उनका जन्म हुआ। शरद चंद्र के 9 भाई बहन थे। रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी का शरद पर गहरा प्रभाव पड़ा। करीब 18 साल की उम्र में उन्होंने बाशा यानी कि घर नाम से एक उपन्यास लिखा, लेकिन ये रचना प्रकाशित नहीं हुई। शरद चंद्र ललित कला के छात्र थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वे इसकी पढ़ाई नहीं कर सके। रोजगार की तलाश में शरद चंद्र बर्मा गए और लोक निर्माण विभाग में क्लर्क के रूप में काम किया। कुछ समय बर्मा रहकर कलकत्ता लौटने के बाद उन्होंने गंभीरता के साथ लेखन शुरू कर दिया। बर्मा से लौटने के बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध उपन्यास श्रीकांत लिखना शुरू किया। बर्मा में उनका संपर्क बंग चंद्र नामक एक शख्स से हुआ, जो बड़ा विद्वान और साथ ही शराबी भी था। उनके उपन्यास चरित्रहीन की प्रेरणा शायद वही था, जिसमें मेज जीवन के वर्णन के साथ मेज की नौकरानी से प्रेम की कहानी है। शरद जब एक बार बर्मा से कलकत्ता आए तो अपनी कुछ रचनाएं कलकत्ते में एक मित्र के पास छोड़ गए। शरद को बिना बताए उनमें से एक रचना बड़ी दीदी का 1907 में धारावाहिक प्रकाशन शुरू हो गया। दो एक किश्त निकलते ही लोगों में सनसनी फैल गई और वे कहने लगे कि शायद रविंद्रनाथ नाम बदल कर लिख रहे हैं। शरद को इसकी खबर 5.5 साल बाद मिली। कुछ भी हो, ख्याति तो हो ही गई, फिर भी चरित्रहीन के छपने में बड़ी दिक्कत हुई। भारतवर्ष के संपादक कविवर द्विजेंद्र लाल राय ने इसे ये कहकर छापने से मना कर दिया कि ये सदाचार के खिलाफ है। विष्णु प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा शीर्षक रचित से उनका प्रामाणिक जीवन परिचय बहुत प्रसिद्ध है। शरद चंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें पंडित मोशाय, बोईकुंठेर बील, मेजो दीदी, दर्पचूर्ण, श्रीकांत, अरक्षणिया, निष्कृति, मामलार फॉल, गृहदाह, शेष प्रश्न, दत्ता, देवदास, ब्राह्मण की लड़की, विप्रदास, देना पावना आदि प्रमुख है। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर पोथेर दाबी उपन्यास लिखी गई। पहले ये बंग बाणी में धारावाहिक रूप से निकाला, फिर किताब की शक्ल में छपा तो 3000 का संस्करण 3 महीने में खत्म हो गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया। शरद के उपन्यासों के कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। कहा जाता है कि उनके पुरुष पात्रों से उनकी नायिकाएं अधिक ताकतवर हैं। शरद चंद्र की जनप्रियता उनकी कलात्मक रचना और नपे तुले शब्दों या जीवन से ओतप्रोत घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उनके उपन्यासों में नारी जिस प्रकार परंपरागत बंधनों से छटपटाती नजर आती है, जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के संबंधों को एक नए आधार पर स्थापित करने के लिए पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसी से शरद चंद्र को लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाएं दिल को छू जाती है, पर शरद साहित्य में हृदय के सारे तत्व होने पर भी उसमें समाज के संघर्ष, शोषण आदि पर कम प्रकाश पड़ता है। पल्ली समाज में समाज का चित्र कुछ कुछ सामने आता है। महेश आदि कुछ कहानियों में शोषण का प्रश्न उभर कर आता है। शरद चंद्र ने उपन्यासों के साथ ही नाटक, गल्प और निबंध भी लिखे। 16 जनवरी 1938 में उन्होंने अंतिम सांस ली। शरद चंद्र के कई उपन्यासों पर हिंदी फिल्में भी बनी हैं। उनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित 1974 में इसी नाम से फिल्म बनी थी। उसके बाद देवदास को आधार बनाकर इसी नाम से 3 बार फिल्म देवदास बन चुकी है।
पहली फिल्म देवदास में कुंदन लाल सहगल ने अभिनय किया था। दूसरी देवदास में दिलीप कुमार और वैजयंती माला बतौर कलाकार थे। तीसरी फिल्म देवदास में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया था। इसके अलावा 1953 और 2005 में फिल्म परिणीता बनी। 1969 में बड़ी दीदी और मझली बहन आदि पर भी फिल्म निर्माण हुए। आज इस बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि पर असम आदित्य की ओर से हम सभी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।